बफेलो गाइस, बफेलो के सामने ओ भाई मार, बफेलो मारना दे मां की कसम भाई। भाई उधर से तो गाइस अपने पास ना एक पार्सल आया है जो सेगा पार्ट की तरफ से। ये मैंने ऑर्डर कर दिया था 4-5 दिन में और मैं विकास नगर पहुंच चुका हूँ। लेंटर हम जानते हो, इधर बहुत सारे व्लॉग अपन ने बनाए। तो भाई आज इसकी अनबॉक्सिंग करने वाला है। इसके अंदर आया बफेलो वाइजर MT15 का, तो भाई उससे ना अलग ही लुक आने वाला है बाइक पे। तो थोड़ा खुल हो जाएगा अब दिखा। तो इसको मैंने थोड़ा मतलब देख लिया था, देख के मतलब कि हैवी की इसमें अंदर ग्लॉसी मतलब कैसा कैसा है। ये मैंने मैट ब्लैक मंगाया है, देख सकते हो पूरा मैट ब्लैक एकदम। भाई क्या लग रहा है, देख रहे हो ये आगे का फ्रेम है और इसके अंदर जो जो पार्ट आया वो दिखा दूँगा मैं उसको, और क्वालिटी बताता हूँ क्वालिटी कैसी है और इसका रेट भी कितना है, वो मैं तुमको लिंक सब दे दूँगा क्या क्या है इसके अंदर। देखो ये तुम ना इससे जज कर सकते हो उसको। पहले ना इसके यही काट देता हूँ मैं, ठीक है। कटर कटर तो है नहीं पर छुरी अपन के पास, इससे ही कर देते थोड़ा बहुत, हाथ ना कट जाए यार और प्रोडक्ट में भी डैमेज ना पड़ जाए। इसलिए मैं बार बार से थोड़ा थोड़ा काटता हूँ, बाकी अपन फाड़ देंगे। तुमको क्वालिटी दिखा रहा हूँ क्वालिटी पर्पज से, ये कंपनी से कैसे आए हुए। और अनबॉक्सिंग में तो तुम्हें पता ही है तुम्हारा भाई कैसे चेक करता है। तो ये तुम देख सकते हो नट बोल्ट वगैरह भी है, ठीक है। थोड़े से ना गाइस तुम इधर आना, क्लोज आना, तुमको ये दिखाता हूँ इसके, ये चेक करना। ये थोड़े जंग लगे हुए देख रहे हो तुम, नोटिस कर रहे हो, ये थोड़ा पुराना लग रहा है मुझे है ना, पर वो इतना कुछ वो नहीं है कि बड़ा कुछ फैक्ट है, कुछ नहीं है। और ये तुम देख सकते हो इसकी पत्तियाँ, इसमें थोड़ा पेंटिंग देख सकते हो, थोड़ी हल्की हल्की निकली हुई है, बट डजंट मैटर क्योंकि हमको तो मैटर ये कर रहा है आगे से, तो ये लगेगा, ये पीछे से भी लगेगी। और इसकी विंग्स है ये, तो पूरा निकालते हैं। और मैं ना डायरेक्ट फ़ोन से शूट कर रहा हूँ, माइक माइक कुछ नहीं है, तो थोड़ा डिसेंट वॉइस आ रहा होगा उसके लिए माफ़ कर देना। पता चला अनबॉक्सिंग करते करते टूट ही गए। देखो फिट मैं खुद से नहीं करने वाला हूँ क्योंकि इतना बड़ा मैं रिस्क नहीं लेने वाला, और मैं थोड़ा कारीगर तुमको पता है कैसा खेड़ी हूँ, तो मैं खुद से फिट नहीं करूँगा बिल्कुल भी नहीं। तो उसके ये आ चुके हैं बाहर सेटिंग्स, ये देखो ये अंदर वाला फ्रेम है, बाहर का ये है, ये देख सकते हो एच, ये ऐसा एक साइड का है और ये दूसरी साइड का है, और ये सेंटर का है जो पीछे डलेगा, ठीक है। और ये इस साइड का है, तो ये कुछ ऐसे होने वाला है। तो इतना तो हो गया है, अब इसको फटाफट से ना शॉप पे लेते हैं, वहाँ पर फिट करते हैं और दिखाता हूँ मैं तुमको कैसे होने वाला है। तो चलो सीधा शॉप पे। तो गाइस अभी अपनी बाइक को थोड़ा कोल्ड स्टार्ट कर दिया है और अपन आ चुके हैं विकास नगर बुइच। थोड़ा इधर बाहर में ना मैंने रखी थी क्योंकि मेरे ना यार वो भी हो गया है जो उसका कवर है, वो कवर फट गया था तो मैंने आ जा यार, तो वो मैंने ना फेंक दिया है, तो नया कवर भी खरीदना पड़ेगा भाई। विकास नगर की गलियां वापस भाई, तो चलाने में ना मज़ा आ जाता है सच में, लेकिन अपन प्यार मोहब्बत से चलाएंगे यार। बाहर मैंने बाइक खड़ी करी थी, बच्चों ने छेड़ दिया है, पता नहीं यार ब्रेक लग नहीं दिए ढंग से, पता नहीं किधर किधर घुमा दिया है, क्लच भी ढंग से दब ही नहीं रहा था, तभी चढ़ नहीं थी गाड़ी। एक तो ब्रैम्बोलिन वाली है ना ये, इसमें ना कंट्रोल से हिसाब से होता है, तो बच्चों ने कंट्रोल अरे परे कर दिया है, तो उस कारण ना मतलब प्रॉपर ढंग से लग नहीं रही है। अगर तुम ब्रेक को देखोगे ना तो कम लगी, इतना लग रहा है हल्का सा इसको ना, मैंने वहाँ कंट्रोल कर दिया थोड़ा बहुत तो जितना हो सकता है, लेकिन ना अब देख के थोड़ा घर पर जाके करूँगा ढंग से। ये क्या हो गया? ओ भाई आंटी के पूरे मुँह में धूल ही धूल मार दी उसने, आंटी बोल रही भयंकर क्या कर रहे हो, चारों तरफ कोरा ही कोरा कर दिया। फटाफट से ना शॉप पे चलते हैं और फिट करते हैं इसको अपन। बैल है बड़ा सा भाई, हो ना गाड़ियों गुड़ियों पे चढ़ रहा है, पता नहीं क्या सीन है भाई। अच्छा गाड़ियों पे नहीं चढ़ रहा, सॉरी ये कहीं और चढ़ना चाह रहा। बात तो सही है भाई, इच्छा है तुम्हारी पर हमको मत घेर देना, पकड़ के रखिए भाई ये चढ़ जाएगा हमारे ऊपर ही, बचा के रखो भाई, ओए बचा के रखो अपनी सांड, खुले सांड घूम रहे भाई। अगर कल की सुबह देखना चाहते हो तो सावधान रहे। हाँ ये कर लो पहले, कैमरामैन जल्दी फोकस करो,
क्या हाल है तेरे? क्या हाल है जोटू? बढ़िया। क्या हाल है भाई? तो यहाँ पर अपने बचपन के दोस्त बचपन के होस्ट अपने पुराने साथी आ चुके हैं जो साथ मिलके पुलाव खाते थे। क्या हाल है? ठीक है भाई, कुछ बोल दो अपने पब्लिक को। इतना तो लग चुका है, बस ये वाइजर का भी फिट रहने वाला है आगे से पूरा, फिर सेक्सी लगने वाला है भाई। और इधर चैनल सर्च हो रहा है भाई अपन का, है सिकनेस, चैनल सर्च किया जा रहा है चैनल। क्या हो रहा है भाई? एक स्कूटी ला रहा है उधर से, फिर ठोक वापस नीचे। यार उसके उसके वो गिर गया, अरे परे पिज्जा गिर गया उसके, अरे परे बेचारे के। भैया जी एक बार और एक लीटर और मैं दिया था, बहुत जोर से एक लीटर बच्चा बच गया, दबा दिया था बच्चा, तो बच्चा चले जाता उड़ के भी रोड में। तो गाइस इसका ना जुगाड़ हो रहा है, ये ना शायद BS4 का है और मेरी बाइक है BS6, ठीक है। तो ये BS6 में ढंग से बैठ नहीं रहा है, तो इसके लिए देखो हम कुछ जुगाड़ कर रहे हैं। कुछ जुगाड़ थे ना इसमें, तो मैंने ये ब्रेम्बोलिन वाले लगा रखे ना, तो उसमें कर नहीं रहे, लेकिन इसके लिए अलग से हुक बना रहे हैं। तो हुक लगेगा, फिर उसके बाद यहाँ पर नट से ना उसको टाइट किया जाएगा। और यहाँ पर भी एक पत्ती है, इसको भी देखते कैसे करते हैं। देखो इसके लिए ये बना रहा ना, ये नया से ये लाया ना, तो इसमें बढ़ जाएगा। और इसको भी सीधा कर दिया क्योंकि ये BS4 के लग रहे हैं मुझे। इंडिकेटर तो सही आ गया, मुझे लग रहा है इंडिकेटर में प्रॉब्लम होगी, लेकिन इंडिकेटर सही आ गया है। थोड़ा देखने में ना इधर से ऊपर से तुमको लगेगा थोड़ा एंगल अलग है, लेकिन जब तुम फ्रंट से देखोगे तो फ्रंट से एकदम सही दिख रहा है। वो इंडिकेटर भी एग्जैक्ट एक ही जगह पे है, तो इसको फिट कर लेते हैं। लेकिन पता क्या है, जो इसके विंग्स है ना बहुत ज़्यादा वाइड है, जिस कारण क्या है वो उड़ रहा है, तो थोड़ा स्पोर्ट के लिए हम उसको वो कर रहे हैं, कस्टमाइज़ करा रहे हैं। तो कस्टमाइज़ करते हैं फिर देखते हैं। लुक तो तुमने देख ही लिया, इसको जुगाड़ करके ये देखो ये भी कर दिया और इसको भी थोड़ा कर दिया है। थोड़ा बहुत यहाँ लग रहा है, लेकिन इसमें पेंट कर दूंगा मैं, उसका दिक्कत नहीं है। और देखो आगे से कैसा फ्रेम आ रहा है। अब इसको एक सुनसान जगह में जाके दिखाता हूँ मैं तुमको कैसा दुकान वाला है। और ऊपर से देखो कुछ ये ऐसा हो रहा है, ये देखो कुछ ऐसा दिखने वाला है, थोड़ा बल्कि सा लग रहा है आगे से, है ना। तो ये ऐसा, तो यहाँ पर पेमेंट करते और निकलते फिर फटाफट से। बाकी एग्जॉस लगेगा वो नेक्स्ट व्लॉग में। तो इस व्लॉग को ना अभी सीधा सुनसान जगह पर चलते हैं। तो 150 रुपये कर दिया है और अपना काम हो चुका है, निकलते हैं यहाँ से फटाफट से और चलते हैं। चल फिर। दिक्कत मैंने नोटिस करा, मुझे लगा था ये आगे, लेकिन ये आगे नहीं, अपन का हैंडल पीछे है तो ये थोड़ा आगे दिख रहा है। लेकिन भाई अब फील आ रहा है, अभी मुझे इधर से तो पता नहीं चल रहा, लेकिन आगे से जो फील आ रहा होगा ना भाई, लोगों का रिएक्शन आने वाला है तगड़ा वाला। और हम तीन दिन बैठे हैं MT में, तो एक सुनसान जगह में लेके ना तुमको दिखाने वाला उसका कैसा लुक आएगा। तो पहले थोड़ा सुतम, नहीं 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 भाई उड़ने वाले अपन उड़ रहे गाइस, अपन चल नहीं रहे, अपन उड़ रहे। भाई वो सिंगल है, अपन तीन तीन है, समझ गए, अपन ज्यादा है वो ना पेलने के लिए, तो भाई स्टैंड तक पेल देता मैं। तो फाइनली गाइस अपनी बाइक ना कुछ इस टाइप से लग रही है, तुम देख सकते हो ये इस टाइप से लग रहा है बफेलो वाइजर। और थोड़ा बहुत ना तुमको थोड़ा मतलब हैंडल बार में थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा होगा, मेरे को ना अपना हैंडल बार भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे एक्सीडेंट हुआ था तो हैंडल बार ना थोड़ा थोड़ा कर्व रखा इधर से तुमको तो पता ही है। बट अभी मैनेज कर लूँगा मैं थोड़ा बहुत, ठीक है, तो अभी मैनेज कर लूँगा। अभी देखो तुम कुछ इतना लुक दिखा रहा हूँ मैं तुमको बाइक का, अभी थोड़ा सिनेमेटिक्स दिखाता हूँ। और बफेलो वाइजर कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। अगर तुमको भी फिट करना भाई, साइड लुक तो बहुत तगड़ा आ रहा है इसका, देख सकते हो तुम। तो अभी कमेंट करना, मैं ना सिनेमेटिक्स लेता हूँ। तो चलो सीधा चलते हैं सिनेमेटिक्स में, फ़ोन की सिनेमेटिक्स पे गाइज। पासवर्ड पता चल गया क्या तुम्हें? कोई नहीं मैं कर दूँगा। तो सीधा सिनेमेटिक्स में इससे लेते हैं सिनेमेटिक फ़ोन से, देखो 4K साउंड का ले लूँगा सिनेमेटिक। अभी तो बफेलो वाला तो लगा रखा। I want to touch you, 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 I want to touch you
बफेलो गाइस, बफेलो के सामने ओ भाई ये मार, बफेलो मारना दे माँ की कसम भाई। ओ भाई चुप हो जा साले, ऐसे मत कर, उसे सांड है वो, सीढ़ी के चढ़ जाएगा ये हो ये।